बार अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। माई सेल्फ, मेरा नाम आशीष वर्मा है और मैं सुनार समाज कल्याण समिति का डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष हूँ, यहाँ का जिला अध्यक्ष। और मैं हरियाणा स्वर्णकार संघ का भी जिला अध्यक्ष हूँ, जो सुनार समाज या सोनी समाज की जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं उनके अंदर। अजमेर देव जी का जयंती मना रहे हैं सर, आप इसके बारे में कुछ बताइए। ये अजमेर देव जयंती जी हम मनाने जा रहे हैं, ये गुड़गांव में आज से 20 साल पहले हमारे जो बुजुर्ग थे उन लोगों ने पहले कभी मनाई थी और आज इसको 20 से 22 साल बाद हम लोग दोबारा मना रहे हैं, जो अब हर साल मनाई जाएगी, कोशिश यही रहेगी। और ये जो जयंती है अजमेर देव जी जो है, हमारे भी जितने भी सोनी समाज है, हम लोग वर्मा हैं, ये हम लोगों के आदि पुरुष हैं, जहाँ ये हमारे जिनके वंशज से हम सब निकले हैं। और जो अजमेर देव जयंती है वो ज़्यादातर पहले राजस्थान साइड मनाई जाया करती थी और हस्तशिल्प से रिलेटेड जो है ये सारे कार्यक्रम हुआ करते थे, जो अब हम लोग गुड़गांव में भी इसको मनाएंगे। कहाँ-कहाँ से लोग यहाँ पहुंचेंगे, कब का ये आयोजन किया जाएगा, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। संडे का कमिंग जो 29 अक्टूबर है उसका हमने ये आयोजन रखा है, अजमेर देव जयंती आयोजन। और गुरुद्वारा रोड पे अग्रवाल धर्मशाला है जिसके अंदर ये आयोजन होने जा रहा है। और इसमें तकरीबन तमाम हमने NCR से रिलेटेड जितनी भी संस्थाएं हैं हमारी सोनी समाज की, स्वर्णकार समाज की, सुनार समाज की, सभी को हमने ये निमंत्रण भेजा है, जो कि वो उन लोगों के पदाधिकारी और उन लोगों के जो मेंबर्स आएंगे। सर, चीफ गेस्ट किसको बुलाया जा रहा है और इसके अलावा जो सोनी या वर्मा समाज के जो बच्चे दूसरी फील्ड में अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको भी सम्मानित करने की बात की है। जी एग्जैक्टली, हम लोगों ने अपने सबसे पहले चीफ गेस्ट जो है हमारे डॉक्टर जगबीर वर्मा जी हैं, जो अपने हरियाणा गवर्नमेंट में चीफ गेस्ट हमारे डॉक्टर जगबीर वर्मा जी हैं, सोनी जी, जो हमारे इंफॉर्मेशन कमिश्नर हरियाणा गवर्नमेंट के हैं। और इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर्स भी आ रहे हैं, जो कुछ IAS हैं, लोकसभा से हैं, और कुछ टेलीकम्युनिकेशंस के अच्छे पदाधिकारी हैं जो स्टेट लेवल के हैं, इसमें हमने गेस्ट ऑफ ऑनर्स भी रखे हैं। और जो सभी हमारे जो सुनार समाज के बच्चे हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जो टॉपर्स हैं, रैंकर्स, जो अच्छी लेवल पे निकले हैं, हम उन लोगों को इस मंच पे बुलाएंगे और सम्मान करेंगे।